यहाँ पर आप ये देख रहे हो ये जो रंगोली है ना, ये रंगोली मैंने पिछले बनाया था कल, तो कल मैंने ये बनाई थी। देवों की आशा दशी थी, उसकी पूजा थी, तो उसके लिए मैंने तुलसी की ही रंगोली, तुलसी जी की ही रंगोली बनाई थी। और यहाँ पर ना हमने रात में कुछ पूजा कर रही थी, तो यहाँ पर पूजा चल रही है। इसका डिटेल ब्लॉग आपको मिल जाएगा देखने के लिए जानवी अंजल स्टाइल पर। जानवी अंजल स्टाइल ये मेरा दूसरा ब्लॉगिंग का चैनल है, उस पर भी आप ये जो डिटेल ब्लॉग है वो ब्लॉग आप देख सकते हो। तो आज की जो रेसिपी है, आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब जल्दी से सब्सक्राइब करके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हो। चलिए आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो टमाटर ले लिए हैं मीडियम साइज़ के, और यहाँ पर मैंने ले लिए है ये गीला नारियल रहता है, गीला नारियल ले लिया है, लहसुन की कलियाँ और अदरक ले लिया है। आपके पास सूखा नारियल है वो भी ले सकते हो, डेसिकेटेड कोकोनट है वो भी ले सकते हो। अभी सबसे पहले हमें मसाला तैयार कर देना है, तो मसाले के लिए हमने ये सारी सामग्री ले ली है। इसे हमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है थोड़ा सा पानी डालकर। यहाँ पर मैंने कढ़ाई गर्म कर ली है, गर्म कढ़ाई में हमने जीरा और राई डाल दी है। जीरा और राई अच्छे से चढ़ने के बाद एक मीडियम साइज़ का कड़ा हुआ प्याज डाल दिया। यहाँ पर मैंने मसाले ले लिए, पाव भाजी मसाला, हल्दी, लाल तीखी मिर्च और धनिया पाउडर, ये भी मसाले हमें डाल देने हैं ऑयल के अंदर। इसे हमें अच्छे से फ्राई कर देना है। ये जो मसाला है हमने ब्लेंड करके रखा था वो भी हमें इसके अंदर डाल देना है। ये मसाला हमने डाल दिया इसके अंदर, ये हमें अच्छे से ऑयल सेपरेट होने तक अच्छे से पका लेना है। यहाँ पर मैंने जो दाल है, काली दाल आती है, राजमा है, उसे अच्छे से भिगो कर बॉईल कर लिया है। इसे मैंने पूरा दिन भर भिगो लिया था, फिर शाम को मैंने इसे कुक कर लिया, अच्छे से बॉईल करा 3 से 4 विस्टर लगा कर। और यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पर अच्छे से हमारा मसाला भी पक चुका है। यहाँ पर 1 टेबलस्पून हमने घी डाल दिया है, और हमारी जो दाल मखनी की दाल है ना वो हमें डाल देनी है इसके अंदर। अगर आपके पास राजमा नहीं है तो आप जो चना दाल आते हैं वो भी ले सकते हो। यहाँ पर हमने पकने के बाद हमने थोड़ा सा क्रीम डाल दिया। आपके पास क्रीम नहीं है तो जो दूध की मलाई रहती है वो भी आप डाल सकते हो। अभी ना फूली फूली पूरी बनाने की एक सीक्रेट ट्रिक है, वही ट्रिक मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो पूरी की जो सीक्रेट ट्रिक है वो हम चार करते हैं। यहाँ पर मैंने गेहूँ का आटा ले लिया है, उसके अंदर मैंने अजवाइन डाल दिया है, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। ये सारी चीज़ें डालने से हमारी जो पूरी अच्छे से नमकीन बन जाती है। हमने एक हार्ड सा आटा गूंथ लिया है। यहाँ पर मैंने गोला लेके पूरियाँ बेल ली है, और जो बहुत सारी पूरियाँ आपको एक साथ बेलनी है तो इस तरह से लंबी पूरी जो है, बहुत मोटी पूरी आपको बेल लेनी है। प्लेटफॉर्म अच्छे से साफ कर लेना है, प्लेटफॉर्म के ऊपर सारा काम कर रहा है। कोई भी कटोरी ले लेनी है, बड़ी और छोटी साइज़ आपको जिस शेप और साइज़ में पसंद है, और इसकी इस तरह से हमें पूरियाँ काट लेनी है। और यहाँ पर ऑयल अच्छे से गर्म कर लेना है, ये सीक्रेट ट्रिक है आज की। और अच्छे से गर्म ऑयल में आपको सारी पूरियाँ फ्राई कर लेनी है। और आप यहाँ पर देख रहे हो पूरी का जो कलर है अच्छे से आ चुका है, और पूरी भी अच्छे से फूली फूली बन चुकी है। यहाँ पर मैंने देसी घी ले लिया है। देसी घी में ना हमने नायलॉन की जो सेवई आती है, नायलॉन की सेवई ले ली है। इसे हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेक लेना है। और यहाँ पर मैंने 1/2 लीटर दूध ले लिया है। यहाँ पर हमने डाल ली है शक्कर 1 कटोरी भरकर, और यहाँ पर मैंने कार्दमम एसेंस ले लिया है। अगर आपके पास कार्दमम एसेंस नहीं है तो हरी इलायची पीस कर आप डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने कुछ काजू बादाम ले लिए हैं, इसे भी हमें अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देना है। ये हमने ले लिए है, इसके अंदर हमने डाल दी है। यहाँ पर हमने केसर ले लिए, केसर भी हमने अच्छे से डाल, गर्म दूध के अंदर भिगो कर रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे ही दूध गर्म हो जाएगा केसर का पूरा स्वाद उसमें आ जाएगा। और यहाँ पर जो हमारी गाढ़ी सी खीर है बनकर तैयार हो चुके, एक बार आप इसे ट्राई जरूर कीजिए, बहुत ही टेम्पटिंग सी रेसिपी है। यहाँ पर हमारी जो टेम्पटिंग सी दाल मखनी है, बस झटपट सी रेसिपी है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी जो रेसिपी है आप फॉलो ज़रूर कीजिए करा कीजिएगा। जो रेसिपी एक्चुअल में रहती है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस बारे से रेसिपी के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। मुझे मोटिवेट करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, और मेरी जो रेसिपीज़ है वो आपको कैसी लगती है। आपका जो फीडबैक है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे और नई रेसिपीज़ के साथ।